चलिए, पनागर पीसी कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ के प्रमुख जलप्रपात के बारे में जानेंगे। ठीक है, जितने छत्तीसगढ़ में जलप्रपात हैं उनके बारे में मैं वर्णन करूँगा, उसको बताते चलूँगा, कोई जिला बताऊँगा, फिर उसके जलप्रपात के बारे में लिखते चलूँगा। ठीक है, याद रखना इसको। तो चलिए शुरुआत करता हूँ इसमें का। पहला है सरगुजा जिला। पहला कौन सा? सरगुजा जिला। अब सरगुजा जिले में कौन कौन से जलप्रपात हैं? एक तो सरभंजा जलप्रपात है। ठीक है, सरभंजा जलप्रपात है। सरगुजा जिले में क्या है भैया? सरभंजा जलप्रपात। ठीक है, सरभंजा जलप्रपात एक टाइगर पॉइंट है। क्या है? एक टाइगर पॉइंट जलप्रपात है। टाइगर पॉइंट जलप्रपात है सरगुजा ही में। एक फीस पॉइंट है। कौन सा फीस पॉइंट जलप्रपात है? एक है अन्य अन्य जलप्रपात में आप लोग मतलब सेमा दे, एक है सेदम जलप्रपात है। सेदम जलप्रपात है, देवप्रवाह है, रजपुर है, दराबा है, देवचार है, महानई है। कौन कौन से जलप्रपात? सेदम प्रपात है, देवप्रवाह है, रजपुर है, दराबा है, देवचार है, महानई है। इसको याद रखना। तो ये काम का नहीं है। अभी देखो इसमें ऐसे ट्रिक उक से याद रख सकते हो। दो ठो तो देव है, देवचार है, देवप्रवाह। कौन है? महान है। देव लोग कैसे रहते? महान है। तो महाना महान से कहे याद रखना, महानई नदी, महानई जलप्रपात। अब दो ठो देव है, देव प्रवाह और देवचार, इसको भी याद रखना। ठीक है, उनके पास क्या है? कौन सा दार है उसके पास? क्या है? दार है। राजा का क्या? राजा है। राजा का क्या है? दार है। राजा वाला दार है, जो राजा खाते थे ना साथ में अपने उसमें भा चावल के साथ, वही वाला। उसके पास क्या है? दार है। तो दार से याद रखना दराबा। एक दराबा है, एक आपका सेदम, साथ में मतलब सेदम प्रपात, और राजा का बोला रजपुर। ठीक है, इसको याद रखना। कहाँ है? सब सरगुजा में। ये सरबंजा जलप्रपात ये मांड नदी पर है। कौन सी नदी पर? अब इसको याद रखना, मांड नदी को है, इसको याद रखना। टाइगर पॉइंट ये मैन पार्ट पर कहाँ है भैया? मेन पार्ट में। इसके बाद महादेव मुड़ा नदी। महादेव मुड़ा क्या है भैया? नदी है, इसको याद रखना। ठीक है, इसको याद रखना। फीस पॉइंट आपका क्या है? इस मछली पॉइंट मछली नदी पर है। कौन सी नदी पर है भैया? मछली नदी पर है, इसको याद रखना। ठीक है, कौन सी नदी पर है भैया? मछली नदी पर उपस्थित है। ठीक है, अब जसपुर पर देखें। जसपुर में क्या है? पहले हम लोग सीरीज बाइक कर चलेंगे, मतलब पहला उत्तर वाले सरगुजा संभाग का देखेंगे, फिर आपका बिलासपुर संभाग, फिर आपका महासमुंद, सॉरी ये रायपुर संभाग, दुर्ग संभाग, फिर दंतेवाड़ा, ये सब का बता। ठीक है, तो एक है भैया जसपुर। देखिए जसपुर जिला में क्या क्या है? एक तो गुल्लू प्रपात है। कौन सा प्रपात है? गुल्लू प्रपात, सॉरी हाँ चलो इसी के पहले लिखो, गुल्लू प्रपात। कौन सा प्रपात है भैया? गुल्लू प्रपात। ठीक है, इसको याद रखना, गुल्लू प्रपात है। एक रानीदह प्रपात है। कौन सा प्रपात है? रानीदह प्रपात है। ठीक है, एक है बेने जल प्रपात, एक है बेने जल प्रपात। कौन सा प्रपात है? बेने जल प्रपात। एक छुरी जल प्रपात है। कौन सा जल प्रपात है भैया? छुरी जल प्रपात। एक मरकंजर याद रखना, मकर भंजा, सॉरी मकर भंजा जलप्रपात, ये इम्पोर्टेंट है। कौन कौन आई एम पी लिख देता हूँ, ए आई एम पी है मकर भंजा, ये रानीदा ए आई एम पी है। ठीक है, ये बेने उन्हें इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, अब इसके अलावा भी देखो, अभी इसको पहले बता देते कहाँ के। गुल्लू कहाँ? गुल्लू जलप्रपात कहाँ है? ईब नदी पर है। कौन सी नदी पर है? ईब नदी पर। कौन है? गुल्लू जलप्रपात। ये बादल खोल अभयारण्य क्षेत्र में उपस्थित है। कहाँ है ये भैया? बादल खोल अभयारण्य, खोल अभयारण्य में क्या है? उपस्थित है, इसको याद रखना। गुल्लू जलप्रपात। रानीदा जलप्रपात कहाँ है आपका? रानीदा। तो ये कहाँ है आपका? ये आपका रानीदा जलप्रपात आपका, इसका पता नहीं मेरे कहाँ है, लेकिन जसपुर में, इसको याद रखना। अब इसको बोलते हैं कि रानी ने कोई उनका किंवदंती अनुसार कि रानी ने मतलब किसी रानी पहले रहती थी, वो दाह संस्कार में दाह कर ली, तो तब से इसका रानी दाह हो गया। ठीक है, यही मतलब आत्मदाह की थी,
तो उसी के किंवदंती के रूप में रानीदा इसको जलप्रपात बोला जाता है, उस पानी में। मतलब एक बेने जलप्रपात है आपका, ईब नदी पर है भी। कौन सी नदी पर है? ईब नदी पर। एक गुल्लू आपका ईब नदी बताया ना, ये भी है। छुरी आपका कहाँ है? ईब नदी पर, इसको भी याद रखना। छुरी जलप्रपात ईब नदी पर। ये मकरबंजा को याद रखना, ये महानई नदी पर है, जो महान बोल रहा था मैं। महानई नदी पर ये सरगुजा में भी है, महानई नदी का उसका विस्तार, और साथ में जसपुर। लेकिन ये सॉरी जसपुर में है, मकरभंजा जलप्रपात जसपुर में, इसको याद रखना, एमपी है इसको। अब इसके अलावा भी अन्य जो जैसे जलप्रपात है उसको बता देता हूँ। ये तो एक है भैया राजपुरी, राजपुरी क्या याद रखना, राजपुरी जलप्रपात दमेरा खुड़िया रानी, राजपुरी दमेरा खुड़िया रानी। क्या क्या बोला मैं? ये तो बुढ़िया रानी याद रखना, खुड़िया से याद रखना, बुढ़िया रानी। बुढ़िया रानी कदम क्या अब राजपाट में नहीं लगा है? बुढ़िया रानी के दम से अब राजपाट नहीं चलेगा, है ना। दान उन्हें नहीं दे पाएगी, बोली। क्या बोली? दान उन्हें नहीं दे पाएगी, ठीक है। तो क्या बोली? पूरा भंग हो गया, भंग हो गया राजपाट, मतलब पूरा भंग हो गया, बोली। तो बुढ़िया रानी क्या नहीं कर पाएगी? बुढ़िया रानी दम निकल गया, अब राजपाट नहीं कर पाएगी, मतलब राजपाट ये नहीं करा पाएगी, है ना। क्योंकि दान वाने तो दे नहीं पाएगी, तो इसलिए अब भंग कर दो राजपाट को। क्या कर दो? राजपाट को भंग कर दो। तो अब देखो, बुढ़िया रानी से खुड़िया रानी याद रखना, बुढ़िया रानी से खुड़िया रानी जलप्रपात कहाँ है? जसपुर में, ठीक है। दम निकल गया से दमेरा जलप्रपात है। राजपुरी राजा मतलब राजपाट नहीं कर पाएगी, तो राजपुरी जलप्रपात एक है। और दान वान नहीं दे पाएगी, तो दानपुरी जलप्रपात है। और भंग कर दो मैं बोला, तो भिंगराज जलप्रपात, ठीक है, इसको याद रखना। तो ये सब कहाँ है? जसपुर में, इसको याद रखिए आप लोग। अब एक है बलरामपुर जिला, कौन सी जिला है भैया? बलरामपुर जिला। बलरामपुर क्या है? बलरामपुर कोटली जलप्रपात। बलरामपुर में क्या है? कोटली जलप्रपात। कोटली जलप्रपात बलरामपुर में क्या है भैया? कोटली जलप्रपात, इसको याद रखना। एक है पवई जलप्रपात, पवई जलप्रपात। एक वैनगंगा जलप्रपात, क्या बोल रहा हूँ? बलरामपुर में कोटली जलप्रपात, एक है पवई जलप्रपात, एक है वैनगंगा जलप्रपात, एक है भेड़िया पत्थर। क्या? भेड़िया पत्थर जलप्रपात, ठीक है, इसको याद रखना। तो पहला बलरामपुर में क्या बोला? कोटली जलप्रपात। बलरामपुर में क्या बोला मैं? कोटली जलप्रपात, ठीक है। एक पवई जलप्रपात बोला, एक वैनगंगा जलप्रपात बोला, एक भेड़िया पत्ता जलप्रपात। अब देखो कोठे में कौन कौन है? एक वेन है, देखो बता रहा हूँ, क्या है? वेन है, वेन वेन जालते हो, गाड़ी गाड़ी रहता है वेन। तो वेन की कहाँ है? कोठी में, वेन वाला गाड़ी जो मिलता है कोठी में। और उसमें क्या बैठा है? भेड़िया बैठा है। क्या बैठा है? भेड़िया बैठा है, भेड़िया बैठा है ना। उसको पाला गया है, क्योंकि ना उसके मालिक के द्वारा पाला गया उसको, ठीक है, इसको याद रखना। तब क्या क्या है बोला? बोला मैं कोठी से याद रखना, कोटली जलप्रपात कहाँ है? बलरामपुर में, ठीक है। और पाला है बोल रहा हूँ, तो पाला से पवई जलप्रपात, पाला से क्या बोल रहा हूँ? पवई जलप्रपात। और वेन है, वेन से याद रखना वैनगंगा, वेन से याद रखना वैनगंगा जलप्रपात बलरामपुर में। और भेड़िया से याद रखना भेड़िया पत्थर जलप्रपात, ठीक है, इसको याद रखना। तो कोटली में क्या है भैया? हमारा कन्हान नदी। कोटली में क्या है भैया? कन्हान नदी, इसको याद रखना, ठीक है। ये डीपा डी के निकट है, डीपा डी के क्या है भैया? निकट है, इसको याद रखना। डीपा डी आपका कहाँ? बलरामपुर में है, ये पुरातात्विक स्थल डीपा डी। कन्हान नदी में कौन है? कोटली जलप्रपात।
और चनान नदी पर क्या है, चीनान नदी पर क्या है आपका, पवई जलप्रपात। पेन गंगा आपका है भैया, वेन गंगा नदी पर है। कौन सी नदी पर है भैया, वेन गंगा नदी पर है, इसको याद रखना। ठीक है, भेड़िया पत्थर जलप्रपात आपका कहाँ है, भेड़िया पत्थर इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ भेड़िया लोग क्या करते थे, छुपे रहते थे पहले, इसलिए इसका नाम क्या है, भेड़िया पत्थर जलप्रपात। ठीक है, इसको याद रखना। अब एक है भैया मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर, मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी और क्या है भैया, भरतपुर, इसको याद रखना। तीन तीन ठोक मिला के एक तो नया जिला बनाया गया है, तहसील उसील को मिला के, तो इसमें कौन से जलप्रपात है, एक तो अमृत धारा जलप्रपात, पहला कौन सा भैया अमृत धारा जलप्रपात, एक है गावड़ा घाट जलप्रपात, अमृत धारा जलप्रपात, गावड़ घाट जलप्रपात, एक अकुरी नाला जलप्रपात। अमृत धारा जलप्रपात, कावर घाट जलप्रपात, अकुरी नाल जलप्रपात, कौन कौन सा जलप्रपात है, अमृत धारा जलप्रपात, गावर घाट जलप्रपात, अकुरी नाल जलप्रपात, एक है रामदा जलप्रपात, कौन सा है, रामदा जलप्रपात प्रपात, इसको याद रखना। अब अमृत कहाँ मिलेगा भाई, कहाँ मिलेगा अमृत, गांव तरफ मिलेगा अमृत, कहाँ मिलेगा, गांव तरफ मिलेगा, वो भी कहाँ पास, नाला के पास थोड़ी मिलेगा भाई, है राम के घर जाएगा तब तो मिलेगा। एक आदमी बोल रहा है, क्या बोल रहा है, मनेन्द्रगढ़ गया आप, मनेन्द्रगढ़ गया कोई व्यक्ति, अब वो पूछा अमृत कहाँ मिलेगा, बोला तो गांव में मिलेगा, बोला भाई यहाँ तो मिलेगा नहीं शहर में, शहर में बहुत प्रदूषण है, बोला तो गांव, गांव में मतलब मिलेगा, बोला तो गांव में कहाँ, तो नाला में थोड़ी मिलेगा भाई, बोला तो नाला के पास खड़े थे उन लोग, क्या बोले, नाला में थोड़ी मिलेगा, तो वो बोला राम के घर जा, बोला वो अमृत रखा है, बोला क्या, बोला राम के घर जा, राम की दाई मतलब क्या रखी, अमृत रखी है, राम की दाई क्या रखी, अमृत रखी है, इसको याद रखना। अब देखो तो अमृत से याद रखना, अमृत धारा जलप्रपात, अमृत से याद रखना, अमृत धारा जलप्रपात, गावर घाट से याद रखना, जो गांव से याद रखना, गावर घाट जलप्रपात, ठीक है, और जो नाला बोला ना, नाला से याद रखना, कुरी नाला जलप्रपात, एक राम के घर जा बोला मैं, तो राम के घर से क्या, रामदा जलप्रपात, जो उसकी दाई रखी है, राम की दाई क्या रखी है, अमृत, तो राम की दाई से रामदा जलप्रपात, ठीक है, रामदा जलप्रपात, इसको याद रखना। अब अमृत धारा जो मनेन्द्रगढ़ तहसील में है, क्या है ये, मनेन्द्रगढ़ तहसील के अंतर्गत बरबसपुर में है, ठीक है, हसदेव नदी पर इसका है बन जल जलप्रपात बनता है, इसी के निकट क्या है, तपसी बाबा का आश्रम है। क्या है, अमृत धारा के जलप्रपात के करीब में क्या है, तपसी बाबा का क्या है, आश्रम है, इसको भी याद रखना, इसी के निकट हसदेव नदी पर। अब गावर घाट क्या है, हसदेव नदी है, क्या है भैया, हसदेव नदी है, इसको याद रखना, गावर घाट हसदेव नदी पर है, सॉरी हसदेव नदी पर गावर घाट जलप्रपात है, ठीक है, और अकुरी नाला जो कोरिया का एयर कंडीशनर बोला जाता है, ये भी कहाँ है आपका, कोरिया जिला में, ठीक है, और जो रामदा बोला, राम के घर के दाई बोला मैं, तो क्या है, ये है भैया बनास नदी पर है, कौन सी नदी पर है, बनास नदी पर है जी, बनास नदी कहाँ है, ये भी आपका बनेगा चिमनी भरतपुर में, इसको याद रखना। अकुरी नाला कोरिया में है, गावर घाट हसदेव नदी पर है, अमृत धारा कहाँ है, हसदेव नदी पर है, मनेन्द्रगढ़ तहसील के बरबसपुर में स्थित है, जिसे तपसी बाबा का आश्रम है, समझ गए, याद रखना। चलो अब आगे चलते हैं, इसमें सूरजपुर जिला देखते हैं आप, सूरजपुर जिला में कौन से जिले, दो 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 जलप्रपात है, एक तो रक्षकंडा जलप्रपात है, एक कुंदरू घाघर। अब उसको क्या बोल रहे हैं, सूरज को क्या बोल रहे हैं, सूरज को बोल रहे हैं कुंदरू रक्तु भाई, क्या बोल रहे हैं, कुंदरू रक्तु, तू अपने जेब में रख कुंदरू, क्या बोले, इधर उधर गाड़ मत उसको, क्या बोला, इधर उधर तू रख के गाड़ मत उसको, क्या बोला सूरज को, कुंदरू रख के गाड़ मत तू। तो देखिए इसका मतलब क्या है, सूरज का क्या, एक कुंदरू घाघ, क्या है, कुंदरू घाघ इसके जलप्रपात,
एक है रसकंडा, रसकंडा क्या है, जलप्रपात है इसके, याद रखना। ठीक है, अब कुंदरू घाट कहाँ है, पिंगला नदी पर है, कहाँ है भैया, पिंगला नदी पर है, इसको याद रखना। ठीक है, ये रसगंडा जलप्रपात आपका रिहन नदी पर है, कहाँ है भैया, रिहन नदी पर उपस्थित है, इसको याद रखना, जिसको रेंड नदी भी बोलते हैं। अब रसगंडा जलप्रपात कहाँ है, सूरजपुर जिला में है। कुंदरू भी आपका कहाँ है, सूरजपुर है, क्योंकि सूरजपुर सूरज को बोल रहे हैं ना, कुंदरू रख मत, गाड़ मत उसको बोल के, ये पिंगला नदी पर है कुंदरू। अब चलिए शक्ति के पास आते हैं, शक्ति में एक जगह है दमऊ दहरा, नाम तो सुने होंगे, दमऊ दहरा, तो दमऊ दहरा क्या है, दमऊ दहरा जलप्रपात गुंजी तीर्थ के समीप स्थित है, तो दमऊ दहरा, दहरा जलप्रपात, ये कहाँ है आपका, गुंजी तीर्थ के समीप स्थित है, इसको याद रखना, शक्ति में, एक रामगढ़ में, सॉरी रायगढ़ जिला, रायगढ़ जिला बताता हूँ, तो रायगढ़ जिला में क्या है भैया, राम झरना, रायगढ़ जिला में क्या है, राम झरना, इसको याद रखना, रामायण कालीन स्थल है जो, राम झरना कहाँ है, रायगढ़ में उपस्थित है, इसको याद रखना, राम से याद रखना, राम किसे, राम कहीं तो कहानी है रामायण में, तो उसी से याद रखना, रामायण कालीन स्थल है कहाँ, रायगढ़ में, इसको याद रखना आप लोग। ठीक है, एक है भैया रायगढ़, रायगढ़ को बता दिया, सारंगढ़ याद रखना, क्या है भैया, सारंगढ़, सारंगढ़ है भैया मांडू सिल्ली जलप्रपात, सारंगढ़ में क्या है भैया, मांडू सिल्ली जलप्रपात है, ये गोवर्धा गोमर्धा अभयारण्य के क्षेत्र में स्थित है, क्या बोल रहा हूँ, गोमर्धा अभयारण्य क्षेत्र में स्थित है, गोमर्धा अभयारण्य कहाँ है आपका, सारंगढ़ में स्थित है, अब पहले रायगढ़ में था, अभी कहाँ है, अभी सारंगढ़ में है, इसको याद रखना। तो कौन सा जलप्रपात है, मांडू सिल्ली जलप्रपात है, तो अब इसको याद रखना, सिल्ली, मांडू सिल्ली, सारा, सारा के पास क्या है, मांडू सिल्ली है, सारा के पास क्या है, मांडू सिल्ली है, वो भी कहाँ है, गोमर्धा अभयारण्य में, कहाँ है, गोमर्धा अभयारण्य में, इसको याद रखना, या फिर उसको ऐसे बोल सकते हो, सारा तेरे को मारूंगा सील के, बोलूँ कैसे, कैसे मारूंगा, सील के मारूंगा तेरे को, चाहे कुछ भी आप कहो, सील के कपड़ा उपड़ा बांध उनके, कैसे मारूंगा, सील के मारूंगा तेरे को, ऐसे बोलता है सारा, सारा तेरे को वैसे उसका नाम लेके पुकारता है। तो सारंगढ़ में है भैया मांडू सिल्ली जलपात, सारंगढ़ में क्या है, मांडू सिल्ली जलपात गोमर्धा अभयारण्य क्षेत्र में स्थित है, ठीक है, गोमर्धा अभयारण्य क्षेत्र में क्या है भैया, स्थित है, इसको याद रखना। ठीक है, अब चलिए गरियाबंद में, गरियाबंद में हम लोग चलते हैं, गरियाबंद से ग से ग याद रखना, गोदना जलप्रपात, ग से ग याद रखना, गोदना जलप्रपात, गोदना जलप्रपात कहाँ है, उदंती नदी पर है, गोदना कहाँ, जब गोदना कौन गोदेगा, उदय गोदेगा, कौन देख गोदेगा, उदय गोदेगा, तो उदय से याद रखना, उदय उदंती नदी, और कौन वो क्या करेगा, गोदना गोदने, तो गोदना से गोदना जलप्रपात, और कहाँ कहाँ गोदवाने जा गया है, गरियाबंद गया है, तो इसको भी याद रखना, गोदना जलप्रपात, ठीक है, उदंती नदी, इसको याद रखना, उदंती नदी पर क्या है, गोदना जलप्रपात, इसको याद रखना। अब एक है घटा रानी भी है, कहाँ, गरियाबंद, घटा रानी और जतमई, क्या बोल रहा हूँ, घटा रानी और क्या है भाई, जतमई, दो जलप्रपात है इसमें, एक तो घटा और एक रानी, कौन है, घटा रानी और एक जतमई, कहाँ है, कहाँ गए इन लोग, गरियाबंद गए, कहाँ गए, गरियाबंद गए, घटा की रानी कहाँ गई भाई, वो गई भाई गरियाबंद गए, तो याद रखना, गरियाबंद से, घटा रानी और गरियाबंद, जतमई आपका कहाँ है, गरियाबंद में, एक कंवर था, चलिए बताता हूँ,
अब कवर्धा में क्या है? रानी दहरा जलप्रपात है। कवर्धा में क्या है जी? रानी दहरा जलप्रपात है। दहरा 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 मतलब क्या हो? पानी उनी भरा रहता है तो देखोगे नदी उदी किनारे थोड़ा गड्ढा उड्ढा रहता है नहाने उने के लायक, तो दहरा ऐसे बोलते हैं, है ना। तो रानी किस में नहाती है? दहरा में नहाती है। कहाँ के? कवर्धा के। जो दहरा में क्या करती? रानी नहाती है, इसको याद रखना, ठीक है। अब कवर्धा में क्या है? भोरमदेव अभयारण्य क्षेत्र है। क्या है? भोरमदेव अभयारण्य क्षेत्र में स्थित है, तो इसको याद रखना। तो रानी द भोरमदेव अभयारण्य क्षेत्र में, भोरमदेव अभयारण्य क्षेत्र में, इसको याद रखना, ठीक है। अब कहाँ? इसमें देखें, बस्तर में देखिए, बस्तर में कौन कौन सा है? बस्तर में एक चित्रकूट जलप्रपात है। कौन सा जलप्रपात है? चित्रकूट जलप्रपात है। इंद्रावती नदी पर स्थित है। कौन सी नदी? कौन सी नदी पर है? इंद्रावती नदी पर स्थित है, बस्तर जिला में, ठीक है। भारत का जो सबसे चौड़ा जलप्रपात में आता है, 300 फीट इसके चौड़ा है। 300 फीट क्या है? चौड़ा है। भारत का क्या है? नियाग्रा भी है, इसको बोला जाता है भारत के नियाग्रा, इसको याद रखना। मौसम के अनुसार क्या करता है ये? अपना जो कलर को बदलते रहता है। मौसम के अनुसार क्या करता है? अपने कलर को क्या करता है? ये बदलते रहता है, इसको याद रखना। एक तो चित्रकूट है, एक तो भैया चित्रकूट है, एक क्या है आपका? तीरथगढ़। तीरथगढ़ जलपात, चित्रकूट जलप्रपात है, एक तीरथगढ़ जलप्रपात, ठीक है। पहला और दूसरा, इसको आप लोग याद रखना। तो तीरथगढ़ जलप्रपात कहाँ है? मुनगाभार नदी पर। तीरथगढ़ जलप्रपात कहाँ जी? मुनगाभार नदी पर स्थित है। आप सोचोगे टॉप पर क्या है? मुनगाभार है। तो मुनगा कैसा रहता है? लंबा रहता है ना, तो उसका टॉप पर क्या है? तो काफी थोड़ा लंबा रहता है ना, ऊंचाई उसका रहता है, तो टॉप पर क्या है? मुनगा रखा है। टॉप पर क्या रखा है? मुनगा रखा है, ऐसे याद रखना। तो तीरथगढ़ जलप्रपात कहाँ है? मुनगा बहार नदी पर है। मुनगा बहार, बहार क्या? नदी पर है, इसको याद रखना, ठीक है। और छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, 300 फीट है ऊंचा। छत्तीसगढ़ का क्या सबसे ऊंचा जलप्रपात क्या है? यही है, इसको याद रखना। ये कई खंडों में क्या है? विभाजित होता है। कई खंडों में क्या होता है? विभाजित हो के गिरता है। और ये कुटुमसर गुफा के निकट है। जो कुटुमसर गुफा है बस्तर में, उसके निकट कौन से वही तीरथगढ़ जलप्रपात है, इसको याद रखना, ठीक है। मुनगा बहार नदी पर स्थित है, बस्तर में स्थित है, इसको भी याद रखना। अब एक है कांगेर धारा जलप्रपात, कांगेर धारा जलप्रपात, कांगेर धारा जलप्रपात, इसको याद रखना। कांगेर धारा जलप्रपात आपका कहाँ है? कांगेर नदी पर है। कांगेर धारा जलप्रपात कहाँ है? कांगेर नदी पर है, इसको याद रखना। समझ गए? कांगेर नदी पर उपस्थित है कांगेर धारा जलप्रपात, ठीक है, इसको याद रखना। कौन सी नदी पर उपस्थित? कांगेर से याद रखना, कांगेर नदी पर, इसको याद रखना। अब चलिए कांकेर जिला बता देता हूँ थोड़ा, एक नहीं और बचा है इसमें का। एक तामड़ा घुमा जलप्रपात है, एक क्या जलप्रपात है? तामड़ा घूमर जलप्रपात है। तामड़ा घूमर क्या है भैया? जलप्रपात है, इसको याद रखना, ठीक है। ये मयूरा जलप्रपात भी इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मयूरा जलप्रपात भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? मयूरा जलप्रपात भी इसको बोला जाता है, कि इसको तामड़ा घूमर को, इसको याद रखना। ये बस्तर की, इसको बिंता घाटी में निर्मित है, किसके? बस्तर क्षेत्र है उसकी बिंता घाटी में क्या निर्मित है? यही तामड़ा घूमा जलप्रपात, जिसको मयूरा जलप्रपात भी बोलते हैं। तो बिंता घाटी को बस्तर की कश्मीर बोला जाता है, बिंता घाटी को बस्तर की क्या है? कश्मीर बोला जाता है। दंडकांड का क्या है सबसे सुंदर सुंदर घाटी कौन सा? तामड़ा घूमर, मिनी नियाग्रा इसको बोलते बोला जाता है। और नियाग्रा किसको बोला जा रहा है? जो चित्रकूट जलप्रपात को,
ये जो तामड़ा घूमर है ना, तामड़ा नाला में स्थित है, तामड़ा नाला में स्थित है। क्या है तामड़ा नाला में क्या है स्थित है, इसको याद रखना, ठीक है? इसको आप लोग याद रखना, दिमाग में बैठा है इसको, ठीक है? अब एक है देखो, मड़वा घूमर। कौन है भैया मड़वा घूमर? अब बोल रहे क्या रहे, बस्तर के लोगों को क्या बोले? अब मड़वा घूम ले भाई, तेरा शादी होने वाला। क्या बोला? अब तू मड़वा घूम ले, तेरा शादी होने वाला। अब तो मौली भाटा के, वो भी जो मड़वा, मड़वा कहाँ गढ़ है? मौली भाटा में। तो मौली भाटा के समीप कौन है? मड़वा, मड़वा गढ़ है, वो भी कहाँ है? मौली भाटा गाँव कहाँ है? बस्तर में। तो मड़वा घूमर याद रखने का, ठीक है? एक अन्य भी जो जलप्रपात है, जैसे चित्रधारा है, महादेव घूमर है, करंजी, चित्रधारा, चित्रधारा, महादेव घूमर, और एक है भैया करंजी। चित्रधारा, महादेव घूमर, करंजी, क्या बोला मैं? चित्रधारा, महादेव घूमर और करंजी, इसको याद रखना, ठीक है? चित्रधारा, महादेव घूमर और करंजी, ये सभी को आप लोग याद रखें, ठीक है? अब कांकेर चलिए, कांकेर जिले में क्या क्या है? कांकेर जिले में, इसका मेरे को लग रहा है दो वीडियो बनेगा, एक वीडियो में होने वाला नहीं है। कांकेर में कौन से जलप्रपात है? मलाज कुंडम जलप्रपात है। कौन से दूध नदी पर है क्या? मलाज कुंडम जलप्रपात, मलाज कुंडम जलप्रपात है। एक है चर्रे मर्रे जलप्रपात, चर्रे मर्रे जलप्रपात क्या है? एक कांकेर पर स्थित है, ठीक है? इसको याद रखना, चर्रे मर्रे जलप्रपात कहाँ है आपका? कांकेर नदी पर है, कांकेर में है, सॉरी नदी बोल रहा। चर्रे मर्रे जलप्रपात है, मलाज कुंडम जलप्रपात है, पिंजाड़िन जलप्रपात है, कहाँ? कांकेर में। एक मुत्ते खड़का है, मुत्ते खड़का जलप्रपात भी कहाँ है? मुत्ते मतलब औरत और खड़का मतलब प्रवाह। मुत्ते मतलब क्या होता है? औरत, और खड़का का मतलब होता है प्रवाह होना, इसको याद रखना, ठीक है? तो मलाज कुंडम जलप्रपात, ठीक है? एक चर्रे मर्रे जलप्रपात, एक पिंजाड़ीन, एक है मुत्ते खड़का जलप्रपात, ठीक है? इसको याद रखना। पिंजाड़ीन कहाँ है आपका? पिंजाड़ीन नदी पर है। कहाँ है जी? पिंजाड़ीन नदी पर है। चर्रे मर्रे जलप्रपात कहाँ है? तो ये बोलता किसको है? कुत्ता को बोलता है, चर्रे मर्रे कुत्ती। क्या बोले? चर्रे मर्रे कुत्ता। तो इसका कौन सी नदी पर है? कुतरी नदी पर है। चर्रे मर्रे जलप्रपात क्या है? कुतरी नदी पर है। एक है पिंजाड़ीन घाटी, पिंजाइन घाटी कहाँ है? कांकेर में स्थित है, इसको याद रखना, ठीक है? पिंजाड़ीन घाटी में क्या है? जगह जगह क्या है? खड्डे उड्डे हैं। पिंजाड़ीन घाटी में क्या है? खड्डे उड्डे ज्यादा हैं यहाँ पास, इसको भी आप लोग याद रखना, ठीक है? अब चलो बताता हूँ मैं इसमें। अब ये तो हो गया भाई, रायगढ़ का तो बता चुका हूँ, सूरजपुर का भी बताया हूँ मैं, कोरबा का नहीं बताया। कोरबा देखो, बता देता हूँ, कोरबा का बताता हूँ। कोरबा में कौन कौन से हमारे केंदई जलप्रपात, कौन सा जलप्रपात है? केंदई जलप्रपात कोरबा में है, ठीक है? केंदई नदी पर है। कौन सी नदी पर है? केंदई नदी पर स्थित है। ये कहाँ है? कटघोरा तहसील क्षेत्र में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? कटघोरा के तहसील क्षेत्र में स्थित है कौन सा केंदई जलप्रपात, इसको याद रखना। कोरबा में है, कह से कह याद रखना, केंदई है ना। कांदा कहाँ मिलेगा? कोरबा मिलेगा। कांदा कहाँ मिलेगा भैया? कोरबा में आप जाओगे ना तो कोरबा में मिल जाएगा। तो कांदा से याद रखना, केंदई, ठीक है? और किस नदी पर है? केंदई नदी पर ही है। कांदा नदी भी याद रखना, वो भी केंदई नदी पर है, ठीक है? और देव पहरी लगा है, देव का पहरी कौन है? देव पहरी लगा है जो चोरों की रक्षा, चोरों से क्या करता है? रक्षा करता है। देव का एक पहरी है, वो क्या करता है? चोरों से रक्षा करता है। कोरबा में लगा है,
कोरबा में एक देव है, उसका पहरी लगा है। वो क्या करता है, चोरों से रक्षा करता है, इसको याद रखना। तो ठीक है, कोरबा में क्या है, देव पहरी, देव की पहरी है, तो देव पहरी ठीक है। और चोरों से रक्षा करता है, तो कौन सी नदी पर है, चोरनई नदी पर है। देव पहरी कौन सी नदी पर है, चोरनई नदी पर है, इसको याद रखना ठीक है, चोरनई नदी पर स्थित है, इसको याद रखना। समझ गया, इसको याद रखना। अब भैया नारायणपुर चलते हैं हम लोग, नारायणपुर में क्या क्या है। नारायणपुर भैया खुरसेल झरना है, नारायणपुर में क्या है, खुरसेल झरना है। नारायणपुर में क्या है, खुरसेल झरना, एक याद रखना। एक है नोगो बाबा जलप्रपात है, एक क्या है, नोगो बाबा जलप्रपात है ठीक है। नोगो बाबा क्या है, जलप्रपात है यहाँ पास। इसका सेकंड वीडियो में एक बनाना पड़ेगा, पहला वीडियो में तो होने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहा हूँ इसको करने के लिए। नारायणपुर में याद रखना, नारायण, अब जो नारायण भगवान रहेगा, नारायण भगवान वो तो खुश रहेगा ना, वो हमेशा खुश रहता है, देखोगे स्माइल करते रहते हैं, फोटो वोटो में देखोगे तो ठीक है। नारायणपुर, अब नारायण भगवान को देखोगे, नारायण विष्णु भगवान को ही नारायण नाम बोलते हैं, तो वो हमेशा का देखेंगे खुश रहते हैं, कैसे रहते हैं, खुश रहते हैं। तो खुश से याद रखना, खुशरेल, कुरसेल झरना, कुरसेल झरना क्या, नारायणपुर में, वो भी कौन सी नदी पर है, कुरसेल नदी पर है, गुड़ा बेटा के समीप, कौन सा, उसके बेटा के समीप, इसको याद रखना। अब नारायण को, जो नारायण है, नारायण भगवान है, उनके पास एक बाबा भी है, कैसा बाबा है, नागा बाबा है, क्या है, नागा बाबा उसके पास उपस्थित है, बैठा रहता है वहीं पास, पूजा उजा कुछ करता रहता है, झाड़ फूक करता था, क्या करता है, क्या करता है, जो नागा बाबा क्या करता है, झाड़ फूक करता है, और भगवान के, नारायण के उसके समीप बैठा है। तो नागा बाबा से याद रखना, नोगो बाबा, नागा बाबा से याद रखना, नोगो बाबा जलप्रपात कहाँ है, नारायणपुर में, और क्या करता है, झाड़ फूक करता है, तो कहाँ उपस्थित है, झाड़ा घाटी में, कहाँ उपस्थित है, झाड़ा घाटी में उपस्थित है, इसको याद रखना ठीक है। अब बीजापुर का बच गया, और दंतेवाड़ा सुकमा का बच गया, तीन ठो जिला का बस और बच गया, बीजापुर, बीजापुर दंतेवाड़ा सुकमा ठीक है। अब चलिए, धन्यवाद।